जुले नमस्ते, जय हिंद, जय हिमाचल, जय स्पीति। बनियाल ब्लॉग में आपका स्वागत है और आज अपने ब्लॉग में आपको चंद्रताल की सैर कराएंगे। चंद्रताल झील जो कि स्पीति की बॉर्डर पे है, लाहौल और स्पीति की बॉर्डर पे, बहुत ही सुंदर ये झील है और इसकी कई अपनी मान्यताएं हैं, वो भी अपने इस ब्लॉग में दिखाऊंगा, तो ब्लॉग में बने रहें। धन्यवाद। अभी हम पहुंचे हैं कुंजम टॉप पे और अब आपको दिखाएंगे कुंजम माता, जिसकी बौद्ध धर्म में भी अपनी मान्यता है और हिंदू धर्म में भी अपनी मान्यता है। और जब भी यहाँ से कोई भी गाड़ी गुजरती है तो इस मंदिर के सर्कल जो है वो पक्का लगाते हैं। ऐसा मानते हैं कि अगर सर्कल ना लगाए तो कोई भी अप्रिय घटना जो है वो घट सकती है। तो लोसर के लोग इस मंदिर का मेंटेन करते हैं और पालडन लामा करके ऐसे इसको बोलते भी हैं और हमारे में तो काली माता भी बोलते हैं। यहाँ पे सिक्का चिपकाने से मान्यता पूरी होती है, तो वो भी आपको इसमें दिखाएंगे। अभी हम फॉरेस्ट चेक पोस्ट से चले हैं चंद्रताल लेक के लिए। मेरे साथ हैं आंगदुई जी। सुबह 7:30 बजे स्पीति से निकले थे और करीब 11 बजे जो है वो हम जो है वो बेस कैंप में पहुंच गए थे। तो बने रहे ब्लॉग में। और ये पहुंच गए हम चंद्रताल झील के पास।
लाहौल स्पीति ज़िला में चंद्रताल लेक जो है वो बहुत ही आकर्षक और पर्यटकों की पसंदीदा लेक है, और हर साल यहाँ लाखों पर्यटक इस लेक को देखने के लिए आते हैं। आप इस वीडियो में देख भी रहे होंगे कि कितना साफ़ ये पानी है, और साथ में एक तरफ ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ ये सुंदर जलाशय और दूसरी तरफ हल्के पहाड़ हैं, और इस पानी की गहराई कितनी है आज तक कोई नहीं नाप पाया है। और गद्दी अक्सर इस ट्रैक से होकर गुजरते हैं, और पानी कहाँ से आता है इसके बारे में भी कोई नहीं बता पाया है। आप जब इसे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ कोई ऐसा बड़ा पानी का सोर्स नहीं है जो कि इस नदी में या इस झील में जो है वो पानी पहुँचा रहा हो। बहुत ही रहस्यमय ये झील है। कहते हैं कि युधिष्ठिर को स्वर्ग का द्वार यहीं से मिला था। वहीं एक मान्यता ये भी है कि कुंज माता का भी इस नदी के साथ संबंध है, और एक कहावत ये भी है कि स्पीति का एक चरवाहा था, वो यहाँ पे बकरियाँ चारने आता था, तो उसे यहाँ पे परियाँ नहाती हुई दिखी थी और एक परी से उसे प्यार हो गया था, और बाद में उसके बच्चे भी हुए थे, लेकिन उसने इस राज को सबको बता दिया और बाद में परी जो है वो यहाँ से गायब हो गई। यहाँ पे नहाना बिल्कुल मना है। बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर नहाने का मन बना कर नहाते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे सूचना पट भी लगे हैं इस नदी को, इस झील को साफ बनाए रखें।